Alright, so what is up everybody, this is Abhirup, welcome to the vlog. So now a recently call aaya hai aur yahan pe thodi bahut barish ho rahi hai, to utni bhi zyada nahi hai, to chalo chalte hain and dekhte hain. To caller ke hisab se wo ek bada aur black snake hai, to chalo chalte hain and dekhte hain. करेक्ट रेंजर है ना. तो ये जो स्नेक है इसको इंडियन कॉमन क्रेट बोलते हो या एशियन कॉमन क्रेट भी बोलते हैं. तो दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक फाउंड ऑल ओवर इंडिया. ये जो स्नेक है वो कोबरा, रसल स्वाइपर, जो जितने भी बिग फोर स्नेक्स जिन्हें बोलते हैं, कोबरा, रसल स्वाइपर और सॉस्केट स्वाइपर, इनसे ज़्यादा जहरीला है. इसकी जो मेन फीड है वो है दूसरे स्नेक्स, मतलब ये रैट्स या छोटे टूट्स या कोई अदर रेप्टाइल्स को नहीं खाता है, ये दूसरे स्नेक्स को खा के ही जीता है. तो ये स्नेक जिस एरिया में पाया जाता है वहाँ पे हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक है, क्योंकि ये दूसरे स्नेक्स को खा के जीता है. ये जो स्पीसीज है ये नॉक्टर्नल रहती है, ठीक है. नॉक्टर्नल इन द सेंस ये रात को एक्टिव रहती है, रात को मूवमेंट करती है. इसके अंदर जो वेनम रहता है वो न्यूरोटॉक्सिक रहता है, सेम एज कोबरा. पर इसका जो वेनम की जो टॉक्सिसिटी रहती है, जो पावर रहती है वेनम की, जैसे हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं, वो उससे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा रहती है इवन देन किंग कोबरा. तो ये जो स्नेक है ये सबसे ज़्यादा वेनमस स्नेक है. इसे आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, ठीक है. इसका जो हेड है, हेड से लेकर टेल तक आप देख सकोगे कि उसके ऊपर बैंड्स हैं, ठीक है. तो इसके जो बैंड्स हैं ना वो हेड के पास कम रहते हैं, दिख रहे हैं सबको, हेड के पास कम है. और जैसे आप टेल तक आओगे तो टेल के पास ये बैंड ज़्यादा डार्क होते जाते हैं. तो ये यूजुअली रात को ही निकलता है, ठीक है. ये जिस इस टाइम रेस्क्यू हुआ था, मुझे कभी इसके बारे में कुछ बोलने को हुआ नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा अनकॉमन है बॉम्बे में मिलना. कुछ पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे आरे फॉरेस्ट है, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है मुंबई के अंदर, वहाँ पे कुछ तादाद में ये मिलते हैं, पर वैसे थोड़े अनकॉमन है मिलना. तो वही अगर ऐसे स्नेक का किसी को बाइट हो जाए तो सेम प्रोसीजर है, आपको देन एंड देयर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. इसके अंदर इसका जो बाइट रहता है, उसका जो बाइट रहता है वो बिल्कुल पेनफुल नहीं रहता है. अगर ये किसी को काट जाएगा तो ऐसे लगेगा कि कोई चींटी या कोई मॉस्किटो ही काटा है. तो उसे हम निगलेक्ट ना करते हुए इसको हम लोग मतलब जो भी पेशेंट है, जो विक्टिम है, उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और एंटी स्नेक मैनम इज दी ओनली मेडिसिन यूज टू ट्रीट स्नेक बाइट. तो कोई बाबा या ओझा मुनि के चक्कर में नहीं पड़ना है स्नेक बाइट के, स्नेक बाइट होने के बाद. और वही तो हम इसको, ये एक्चुअली नॉक्टर्नल स्नेक है, इसकी वजह से हमको इसको रात को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा एक्टिव कम रहता है. तो आप देख सकते हो कॉमन क्रेट, ठीक है. इस
इसकी टंग देखोगे तो आप इंसान जैसी पिंक है, अगर कैमरा में आ रहा रहेगा, आई डोंट नो, अगर फोकस हो रहा है तो इसकी टंग आप देखोगे तो पिंक कलर की टंग रहती है, जो यूजुअली स्नेक्स के अंदर कम रहती है, कुछ स्नेक्स की टंग पिंक रहती है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी है, इसको सूर्य कांडर, रात्र कांडर ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। कोकन साइड में इसके जो मतलब जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे इनके नेम्स भी चेंज होते रहते हैं। इनको ऐसा बोलते हैं कि अगर ये रात को काटेगा तो इंसान सुबह नहीं देखता, सुबह को काटेगा तो रात्र भी देखता। ये एक टाइप से सच भी है क्योंकि इसकी जो वेनम की टॉक्सिसिटी है वो उतनी ज़्यादा है। तो ऐसा कोई स्नेक आपको दिखे तो प्लीज़ उसे मारिए मत, जो पास वाले जो स्नेक फ्रेंड है या जो रेस्क्यूअर या एनजीओज है उनको आप कॉल करके बुला सकते हो, वो उसको ज़रूरी रेस्क्यू कर लेंगे। तो अब इसको जो रिलीज़ करेंगे वो रात को करेंगे, चलो चलते हैं। तो ये जो इंडियन कॉमन क्रेट हम लोग ने रेस्क्यू किया था, इसको हम अब एक नियर बाय फॉरेस्ट में रिलीज़ करने आए, तो चलो इसको रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि क्रेट एक नॉक्टर्नल स्नेक है, इसको रात को ही रिलीज़ करना होता है क्योंकि ये रात को एक्टिव होता है। आप देख रहे हो फ्लैश की वजह से थोड़ा डर रहा है, और वो अभी निकलने का पता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से इसका टंग निकल रहा है।